अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और मैं नेक्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन पे वीडियो वेरिफिकेशन जब होती है तो हमें उन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमसे क्या मांगता है। पहले हमें जब अकाउंट बनाएंगे तो हमसे NIC मांगेगा और पासपोर्ट मांगेगा और उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स और बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। ये हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके अलावा जब हमारी वेरिफिकेशन जब होगी उस दिन हमसे वो रिक्वायर करेगा हम उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाएँ। हम उस जो अपलोड किया होगा पासपोर्ट वो पासपोर्ट से पासपोर्ट देखेगा, पासपोर्ट के बैक साइड पे जो सिग्नेचर होंगे वो वेरीफाई करेगा, फ्रेंड वेरीफाई करेगा। उसके अलावा अगर आपने NIC अपना अपलोड किया हुआ है तो NIC आपका वो चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड की थी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखने के बाद वो आपसे बोलेगा कि आपको 2 दिन बाद वेरीफिकेशन की ईमेल आएगी। 2 दिन के बाद हमसे जो वेरिफिकेशन का ईमेल आएगी उसमें उसके बाद हमसे मांगेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर हमें अपलोड करना पड़ेगा अपने अकाउंट बैंक अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिसपे आपका ऑथेंटिक एड्रेस लिखा होगा। एड्रेस जब आपका होगा तभी आपका अमेज़ॉन अकाउंट अप्रूव होगा, वरना उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के बगैर आपका अमेज़ॉन अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। उसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स करेंगे अमेज़ॉन रिजेक्ट करता जाएगा। ये था आज का मेरा टॉपिक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।